चूंकि बिहार चुनावों में जो हमारे सरहदी मुद्दे हैं वो सब प्रवेश कर चुके हैं, राहुल गांधी ने एलएसी को लेकर बहुत कड़े आरोप आप लोगों पर एक बार फिर लगाए हैं यहाँ पर, राजनाथ जी। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, उसे क्या कहा जाए। मैं इस संबंध में कह चुका हूँ उनको, यदि इसका खुलासा किया जाए तो मैं समझता हूँ कि स्थिति पूरी तरह से साफ हो जाएगी। लेकिन वो देश हित में नहीं है कि मैं कुछ कहूँ, लेकिन 1962 से लेकर 2013 तक क्या हुआ है अब उसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा। लेकिन इस बार हमारे सेना के जवानों ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है उसकी जितने भी प्रशंसा की जाए वो कम है। मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे देश की सेना के जवानों ने भारत माता का मस्तक ऊंचा किया है। राजनाथ जी, माइनस में तापमान गिर चुका है उस पूरे क्षेत्र का, ऐसे में हमारे जवान वहां पर डटे हुए हैं, आप लोगों की बहुत कूटनीतिक स्तर पर भी बातचीत चल रही है, गतिरोध टूटेगा और क्या जल्दी टूट पाएगा? अब इस संबंध में मैं दावे के साथ नहीं कह सकता हूं, लेकिन बातचीत का सिलसिला चल रहा है, कोर कमांडर लेवल पर भी बातचीत हो रही है, कूटनीति का स्तर पर भी बातचीत का सिलसिला चल रहा है। अब इसका समाधान निकलना चाहिए, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता कि इसका समाधान निकलेगा। लेकिन मैं देश की जनता को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम किसी भी सूरत में किसी भी ताकत को भारत की जमीन पर कब्जा करने की किसी भी सूरत में इजाजत नहीं देंगे। यानी जो आरोप लगता है कि वो कितने किलोमीटर अंदर आ गए हैं, ये आपके हिसाब से निराधार है? ये बिल्कुल निराधार है, निराधार ही नहीं बिल्कुल ये निराधार है कि 62 से सीधे सीधे तुलना हो जाए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे 20 जवानों ने शहादत दी, इसी को रोकने के लिए बिहार रेजिमेंट के जवानों ने शहादत दी। 62 से तुलना हमेशा हो जाती है, उस समय कैनवस के जूते, सूती वर्दियां। मैं लॉजिस्टिक्स की आपसे बात पूछना चाहती हूँ राजनाथ जी। लोगों के जहन में आता है कि उस समय जो सूती वर्दियां और कैनवस के जूते पहनकर हमारे जवानों को लड़ना पड़ा था, इस बार हाथ मजबूत हैं, पूरी तरीके से उनके लिए सारी व्यवस्था, जो भी सेना के जवानों के लिए आवश्यक सुविधाएं हो सकती हैं वह सब सारी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। और मैं बराबर अपनी तीनों सर्विसेज के चीफ, मैंने आर्मी चीफ, एयरफोर्स के चीफ, नेवी के चीफ लगातार, और CDF, इन सब सारे लोगों से हमारी लगातार बातचीत पहले भी होती रही है। और इस समय की जो तैयारियां इन लोगों ने की हैं उसकी भी मुझे अच्छी तरह जानकारी है। जो भी आवश्यक सुविधाएं जवानों के लिए चाहिए वो सारी आवश्यक सुविधाएं उनको मुहैया कराई गई है। चीन सीमा से हटकर पाकिस्तान सीमा का सवाल, और देखिए मैं एक बात और भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारे जो सेना के जवान हैं सचमुच उनका हौसला इस समय बहुत ही बुलंद है। लड़ाई केवल संसाधनों से नहीं लड़ी जाती, लड़ाई यदि लड़ी जाती है तो हौसले से लड़ी जाती है। और हमारे जवानों का हौसला बुलंद है, क्योंकि स्वयं भी मैं LAC पर गया हूं, जवानों से मिला हूं, और जो घटना गलवान की हुई थी उसके बाद मैं गया था, हमारे प्रधानमंत्री जी भी उसके पहले गए थे। सचमुच उस समय भी जवानों से मिलकर उनके हौसले को देखने के बाद मेरा हौसला बहुत ही बुलंद हुआ है। और मेरा विश्वास ये पक्का हुआ है कि भारत की 1 इंच भूमि पर भी कोई कब्जा करने की जरूरत नहीं कर सकता, क्योंकि चीन की तरफ से खुद कहा गया कि जो उन्होंने शिकायत की कि भारतीय जवान भीतर घुसा है, और हमारे देश की राजनीति में ये कहा जा रहा है कि अभी इस संबंध में मैं कुछ नहीं कहूंगा जी, क्योंकि कुछ कूटनीतिक मर्यादाएं भी होती हैं, उन कूटनीतिक मर्यादाओं का हमको पालन करना पड़ता है। पाकिस्तान से लगती सीमा पर अब मैं आती हूँ राजनाथ जी, क्योंकि वहां पर गिलगित बल्टिस्तान को प्रोविजनल प्रोविंशियल इलाका घोषित अगर पाकिस्तान करता है तो इतना ही मैं कहूंगा कि पाकिस्तान को इन हरकतों से बाज जाना चाहिए। और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, गिलगित बल्टिस्तान जो जैसा था उसको उसी रूप में रहने दे, उसमें किसी भी प्रकार की हेरफेर वह करेंगे तो ये हमको स्वीकार नहीं है। क्या 370 हटने से अभी तक वो छटपटाहट खत्म नहीं हुई है पाकिस्तान की? धारा 370 समाप्त होने से मैं समझता हूं कि पाकिस्तान परेशान तो हुआ है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और कश्मीर के अंदर आतंकवादी गतिविधियों का भी जहां तक सवाल है, पहले के कंपेरिजन में बहुत ही गिरावट आई है, बल्कि धारा 370 जम्मू कश्मीर के समाप्त होने के बाद
पाकिस्तान में और उनके आतंकवादियों में भी हताशा जो है बढ़ी है। तो जो बीजेपी कार्यकर्ताओं को खासकर टारगेट किया जा रहा है कश्मीर में, ये किस कारण है? अब देखिए, ये मैं मानता हूं कि पाकिस्तान और आतंकवादी इन दोनों के हताशा का ही ये परिणाम है, लेकिन यह सिलसिला अब लंबे समय तक नहीं चलने वाला है। आतंकवाद का सफाया होकर रहेगा, हमें कोई ताकत रोक नहीं सकती है। पहले के कंपेरिजन में आतंकवादी घटनाओं में जो कमी आई है, और हम तब तक चैन नहीं लेंगे जब तक कि आतंकवाद जम्मू कश्मीर की धरती से पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाएगा। पिछले एक साल में आतंकवादी गतियां जो भी होती हैं सब पाक स्पॉन्सर्ड हैं, पाकिस्तान के द्वारा ही होती हैं। अब इसका खुलासा भी अब हो चुका है। स्वयं पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में उनके मंत्री ने खड़े होकर इस बात को स्वीकार किया है कि फरवरी 2019 में जो हमारे सीआरपीएफ के 40 जवान मारे गए थे, उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। और इतना ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान कितना डरा हुआ है कि अभिनंदन की रिहाई होनी चाहिए, नहीं तो भारत अटैक कर देगा, यह दहशत पाकिस्तान के लोगों के अंदर जो समाई हुई थी। इस बात का भी पाकिस्तान नेशनल असेंबली में खुलासा हुआ है।